स्वागत है मेझाल में। गईले नहीं चल रही, हम जा रहे हैं उज्जैन मंदिर, महाकाल मंदिर। तो आप ही हिस्सा बनिए हमारे साथ हमारी यात्रा का। अभी हम अपने कैंट स्टेशन पे खड़े बन चुके हैं। दो और आज है 15 फरवरी का और बहुत सारे टाइम पे हम जा रहे हैं। तो अभी तो हम यहाँ पे आए थे और हमारा पोपट हो गया। हमारी ट्रेन लगभग 3 घंटा लेट है, लेकिन टाइम पास के लिए जा रहा है यहाँ पर दाना और टोपी वाले क्या ले रहे हैं। टाइम पास कैसे होगा, हाय करी सबको, हेलो बोलिए। कहाँ चल रहे हैं हम लोग, उज्जैन चल रहे हैं ना, और 3 घंटा हमारी ट्रेन लेट है ना। कुछ मिनट अच्छा 3 घंटा कुछ मिनट ट्रेन लेट है। टाइम पास के लिए हमने लिया है ये फरवी चना, खाएंगे टाइम पास करेंगे और वेटिंग हॉल में बैठकर वेटिंग करेंगे और क्या कर सकते हैं, वेटिंग कर सकते हैं ना। चलिए चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कैंट स्टेशन पे मैं भी खड़ी हूँ और यहाँ पर खाने पीने की काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखिए मिल रही हैं। देखिए तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका ट्रेन अगर आपका लेट है या आप जल्दी आ ही गए हैं किसी तरीके से तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। चाइनीज़ के साथ साथ साउथ इंडियन ही मिलने वाला है, पूरी ही यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आश्रय घर यानी कि वेस्टिंग रूम भी मिल जाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा फ्रेंड्स, वो देखिए ना सुंदर लग रहा है ना हमारा कैंट स्टेशन। यहाँ देखिए स्टेशन के अंदर ही आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ आपको साउथ इंडियन चाइनीज सभी चीज़ें मिल जाएंगी। बाहर से देखते देखते मुँह में पानी आने लगा तो कहा हमने क्यों ना चला के थोड़ा अंदर वेटिंग रूम में वेटिंग भी किया जाए कुछ खाने पीने का भी। समोसा हाँ पेटिस लीजिए, पेटिस खाया जाए, क्या कहते हैं। और ये देखिए आपको यहीं पर मिल जाएगा मेन्यू, क्या चीज़ें क्या प्राइस की हैं आप पढ़ करके यहाँ पे आके खा पी सकते हैं, पेटिस का मज़ा लिया जाए, क्या कहते हैं, खाना चाहिए कि नहीं। और अभी बच चुके हैं घड़ी में 4 और अभी हमारी गाड़ी लगभग 2 घंटा जी हाँ लगभग 2 घंटा लेट होने वाली है। तो हम वेट कर रहे हैं अपने टाइमिंग का, तब तक बस इधर इधर उधर बस घूम रहे हैं। बताऊँ आपको बहुत ही गंदी है ये, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें आलू का आता पता है ही नहीं, कोई इसमें पीठी वीठी है ही नहीं है, क्या इसको अच्छा बोले हम। पता है कितने का, 25 रुपीज़ का, बहुत ही रद्दी है ये, मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, बहुत ही गंदा लग रहा है। मैं तो खा लिया इसी तरीके से, पर आप खाइएगा ना बहुत ही बुरा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंट स्टेशन के अंदर का मैं पूरा आपको रिव्यू पूरा आपको मैं अपडेट दे रही हूँ कि अंदर से स्टेशन लगता कैसा है। वॉल्स पे काफ़ी अच्छी पेंटिंग चिपकाई गई है, जी हाँ ये चिपकाई गई, कागज़ की चिपकाई गई, पेंटिंग की गई है चिपकाई गई है, कई जगह तो फट भी चुके हैं, ये देखिए यहाँ पे फट भी चुके हैं।
हैव यू अटेंशन प्लीज, हमारी गाड़ी लगभग 3 घंटे लेट हो चुकी है, अब हम क्या करें यहाँ बैठ करके। हाँ, बहुत ही बेकार लग रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 घंटा हम क्या करेंगे, कोई नहीं है टाइम पास करने के लिए। नॉट गुड एक्सपीरियंस, शुरुआती अभी हुई है और अभी यही हाल है, यानी आगे क्या होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अभी तो हमारा वेटिंग ही चल रहा है, हम वेट ही कर रहे हैं यहाँ से 2 घंटा, अभी गाड़ी हमारी 6 बजे गाड़ी हमारी आने वाली है और अभी घड़ी बज चुके हैं 5। और बात की जाए अगर भाड़े की वहाँ से टू उज्जैन जाने की, तो हमारा भाड़ा लगा लगभग 450 रुपया। जी हाँ, 450 भाड़ा लगा हमारा वाराणसी से उज्जैन जाने के लिए। हमें तो पहले हमें सीहोर ही जाना है, सीहोर से ही, अब बाद में अगर प्लानिंग हुई हमारी तो उज्जैन जाएंगे या बागेश्वर धाम जाएंगे, वो कन्फर्म अभी नहीं हुआ है। तो अभी हमारी टिकट जो वो भी कन्फर्म हुई नहीं है। जी हाँ, इतने यात्री, इतने भक्तजन जो जा रहे हैं सीहोर के लिए, बागेश्वर धाम के लिए और आपका उज्जैन मंदिर, महाकाल मंदिर के लिए, तो टिकट ही नहीं मिल पा रही है, तो वेटिंग में चल रहा है हमारा टिकट, कन्फर्म टिकट हमारी नहीं हुई है। भगवान जाने हम कैसे जाएंगे, सोचते होंगे कि अभी कहाँ बैठी हुई हूँ। तो हमारी गाड़ी अभी आई नहीं है, गाड़ी 6 बजे आने वाली है और गाड़ी बज चुके हैं 5 और अब वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी के आने का। तो वैसे एक गाड़ी बैठे हुए हैं, ये गाड़ी लखनऊ जाने वाली है, उसी बस बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी बस आ जाए। तो चलिए आगे आपके अपडेट आपको देते रहेंगे।